हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डेकोर माय डियर स्वीट बर्नाली। आज की वीडियो है एक मेकअप वीडियो जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक सिंपल सा मेकअप लुक जो कि आप किसी भी फंक्शन या घर पे रखी हुई किसी भी गेट टुगेदरिंग पे आप ये मेकअप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा मेकअप है जो कि आप लोगों को करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। देन यस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हेयर को एक बैंड से आप इस तरह से लगा लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। सो फर्स्ट स्टेप है यूजुअल सा स्टेप जो कि सबसे पहला स्टेप आपकी फेस क्लीन होनी चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी शावर लेके आई थी तो मैंने अपने फेस को क्लीन किया है फेस वॉश से। तो जो भी आप नॉर्मल रेगुलर फेस वॉश यूज़ करते हैं आप उसी से अपना फेस को क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक्स का ये मॉर्निंग नेक्टर फेस वॉश। सो वेरी सून आई एम गोइंग टू रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट क्योंकि इस प्रोडक्ट को यूज़ किए हुए मुझे अभी एक साल होने वाला है। तो लास्ट अप्रैल से मैंने अपना जो मॉइस्चराइजर का जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं किया, मैं यही यूज़ कर रही हूँ बायोटिक्स का मॉर्निंग नेक्टर। तो इसकी रिव्यू भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ लेके आऊँगी। सो आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिएगा। एंड यस नेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आप अपने चेहरे के साथ अपने गले में भी अच्छे से नेक का ये जो पोर्शन है उसमें भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिएगा। मॉइस्चराइज करने के बाद आते हैं सेकेंड स्टेप। तो जो कि आप मेकअप से पहले कोई भी आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो बट यहाँ पे मैं प्राइमर नहीं यूज़ करूँगी, मैं प्राइमर के बदले यूज़ करूँगी पतंजलि का ये एलोवेरा जेल। मैं जब भी किसी भी तरह के मेकअप करती हूँ या फाउंडेशन भी लगाती हूँ तो भी मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का ये मेकअप जेल। सॉरी इट्स पतंजलि का एलोवेरा जेल नॉट मेकअप जेल, एलोवेरा जेल। तो ज़्यादा लेना नहीं है, मैं सिर्फ इतना सा ही लेती हूँ। तो ये जो जेल है ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लगता है तो अगर आप इसको लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई भी तरह के प्राइमर, आजकल मार्केट में किसी भी तरह के प्राइमर अवेलेबल है तो आप उसको लगा सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी ये चिपचिपा है, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बोला कि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लगता है तो मैं इसको 5 मिनट्स तक इसको रख देती हूँ। सो आफ्टर 5 मिनट्स आई एम यूजिंग द लिक्विड परफेक्शन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। तो इसका शेड है नेचुरल शेल फॉर वाइट स्किन। सो ये है इसका शेल, इसका शेड नेचुरल शेल फॉर वाइट स्किन। तो इसको मैं अच्छे से अपने चेहरे पे अच्छे से पहले फैला लूंगी। क्योंकि मेरे डार्क सर्कल है तो इसको मैं अंडर आई पे भी लगाती हूँ।
और अगर आप चाहे तो इसको अपने आई के ऊपर भी लगा सकते हो। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और एनी ब्यूटी ब्लेंडर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से डैब भी कर सकते हो या नहीं तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। कि ये मेकअप एक स्मॉल गैदरिंग्स फैमिली गैदरिंग्स के लिए है तो यहाँ पे कुछ चीज़ आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ ये कंसीलर, मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कंसील नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया है मॉइस्चराइजर, उसके बाद प्राइमर एज एलोवेरा जेल, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन क्रीम, और आखिर में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये है इसका शेड है शेल। मेबलिन का ये फाउंडेशन। तो अभी आते हैं आई मेकअप के ऊपर, क्योंकि एक फैमिली गैदरिंग है तो मैं ज़्यादा आई मेकअप नहीं करूँगी। मैं सिंपल लगाऊंगी काजल, और जो आई शेडो है वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे काजल मैं यूज़ कर रही हूँ एलिएटिन का ये आई ड्रामा, क्योंकि मुझे ऊपर में आई लाइनर लगाने में थोड़ी दिक्कत होती थी पहले। तो मैं क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादातर मैं काजल ही लगाती थी, इस तरह के पेंसिल काजल लाती थी, उसको एज अ आई लाइनर में इसको अप्लाई करती थी। तो अभी आज भी मैं वैसा ही करूँगी, इस काजल को मैं काजल की तरह भी यूज़ करूँगी और साथ ही में सर ऊपर में भी मैं इसको एज अ आई लाइनर यूज़ करूँगी। तो अगर आपको दिक्कत होती है परफेक्ट आई लाइन बनाने के लिए तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं।
आई मेकअप के बाद मतलब नीचे अगर मैं बहुत ज़्यादा काजल लगा दी तो देखने में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक सस पतला सा एक लाइन ड्रॉ किया है नीचे नीचे में अभी, क्योंकि बहुत ही लाइट मेकअप है, तो यहाँ पे जो लिपस्टिक है मैं वो थोड़ा सा डार्क यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे मैं लगा रही ये रेड कलर की एक लिपस्टिक। तो जब भी आप किसी भी ओकेजन पे जा रहे हो, मेकअप बहुत ही लाइट हो तो आपको लगता है कि मेकअप कुछ ज़्यादा लाइट हो गया, तो आप किसी भी तरह की डार्क कलर की लिपस्टिक लगा सकते हो, जिससे कि आपके जो पूरा फेस है वो ब्राइटन अप लग सके। तो यहाँ पे मेरे इस लिपस्टिक की वजह से मेरा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप लग रही है अभी। अगर मैंने मेकअप बहुत ही कम मेकअप यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन इस लिपस्टिक के कलर की वजह से ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया है। तो अभी मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, तो अभी जो मैं ड्रेस यूज़ करूँगी, आप साड़ी इसमें ले सकते हो, आप इसमें इस गेटअप पे आप मेकअप लुक में आप साड़ी भी पहन सकते हो, आप सलवार सूट कोई भी इंडियन एथनिक ट्रेडिशनल ड्रेस आप यहाँ पे पहन सकते हो, साथ या तो किसी भी टाइप की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहनूंगी जो हम लोग की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये है मेखेला चादर, तो ये पहनती हूँ, और इसको पहनने के बाद जो फाइनल लुक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल लुक। तो मैंने ये ब्लू वाली ये ड्रेस पहनी है, इसको हम लोग कहते हैं मेखेला चादर, यू कैन सी। और ये मेरा फुल जो मेकअप लुक है बहुत ही सिंपल है, और मेरा ये मानना है कि एनीथिंग यू गो उज विद ट्रेडिशनल ड्रेस, इट ऑलवेज गोज बेस्ट विथ योर ट्रेडिशनल ज्वेलरी। तो वैसे ही मैंने क्या है, मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है, ऐसा मीन्स ट्रेडिशनल नल इयर रिंग्स है ये, इसको हम लोग बोलते हैं थान हीरा। देर आर लॉट एंड वेराइटीज ऑफ एसमीज ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और एसमीज ज्वेलरी के बारे में बोलूँ तो मेरा एक वीकनेस है, मुझे हर तरह की एसमीज ज्वेलरी बहुत बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक सिंपल सा मेकअप लुक, जो कि मेरा डेली किसी भी फैमिली फंक्शन में जाना हो तो मैं यही मेकअप करती हूँ। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, जितना भी मैंने मेकअप किया है वो सब कुछ मैंने किसी वीडियोस हो या किसी पहले बहुत सारी रिसर्च करके इसको सीखा है, फिर मैंने इसको करने के लिए कोशिश किया है। तो ये जो छोटा सा एक मेकअप वीडियो है, आई नो इट्स डजेंट लुक लाइक एनी थिंग ग्रेट, ये मेकअप हर लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बिगिनर्स के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती है अगर वो पहली बार मेकअप करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने भी जब पहले पहले मैंने मेकअप करने की कोशिश की थी, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस कर मैं भी फेस करती थी, जैसे कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद जैसे उसको किस तरह से डैप करना है, किस तरह से अपने चेहरे पे लगाना है, उसकी आइडिया मुझे अच्छे से नहीं थी, जिसके वजह से क्या होता था, फाउंडेशन कहीं कहीं पे बिखरा बिखरा हुआ सा लगा रहा था, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्रैक हो जाता था, यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप वो क्रैक हो जाता था, जिससे वजह से क्या होता है कि स्किन आपकी जो स्किन है वो दिखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों को सीखा है, उसके बाद आज जाके मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैप्पी कि मैं ये तरह की मेकअप मैं खुद कर पा रही हूँ। तो इस मेकअप को करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो कि चीज़ हम लोग घर पे रोज़ करते हैं, उसी चीज़ों से मैं ये मेकअप जो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर
कुछ छोटी मोटी यहाँ पे मेरी भूल हो सकती है क्योंकि कोई तो मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अगर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं और मुझसे कोई भी भूल हो गई है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको हिट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो या मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।